स्वरूपा माँ दुर्गा की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धरती पर अम्बे क्यों आई हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सतयुग में एक दैत्य राज महिषासुर था भारी, जिसके डर से कांप रही थी ये धरती सारी। उसके बल और भय से डोल उठा था इंद्रासन, ऐसा लगता था कि छिन गया इंद्र का सिंहासन। देख के उसकी शक्ति देवता घबरा गए सारे, जान बचा कर फिरते थे वो असुरों के मारे। सूर्य देव और पवन देव सभी देवता थे हारे, स्वर्ग लोक को छोड़ कहाँ जाएं ये बेचारे। दौड़े दौड़े वो ब्रह्मा के पास में जाते हैं, बता दो हमको अब हम और कहां जाएं। दैत्यराज महिषासुर की शक्ति बढ़ती जाए, छिन ना जाए देवलोक यूं मन है घबराए। इन असुरों से बचने का प्रभु कुछ तो करो उपाय, पापी निशाचरों से प्रभु तुम हमको लियो बचाए। धरती के सब प्राणी को वो पापी रहा सताए, ऋषि मुनियों और भक्त जनों के मन को रहा दुखाए। सारे देवता मिलकर अपना दुख सुनाते हैं, तुम्हारी मेटेंगे संता। जाकर द्वारे देवता सारे करें हरि का जाप, उनके हाथों से ही मिटेगा इस धरती से पाप। भक्ति करके महिषासुर ने मुझसे लिया वरदान, नष्टुष की शक्ति को करना इतना नहीं आसान। वो ही बताएंगे कोई युक्ति करेंगे करुणादान, बड़े चतुर बलवान है सबसे श्री विष्णु भगवान। सारी बातें ब्रह्मदेव उनको समझाते हैं,
शैया से उठकर आए जगकर्ता। विष्णु जी ने बड़े ध्यान से उनकी सुनी वाणी, शिव शंकर के पास चलन की मन में थी ठानी। इसका निवारण करेंगे अब तो शिव शंकर भगवान, देवों के महादेव हैं भोले उनकी शक्ति महान। ब्रह्मा विष्णु सबको लेकर कैलाश पे आते हैं। महादेव के आगे जोड़े खड़े सब हाथ, ब्रह्म देव नारायण बोलो क्या है आखिर बात। रक्षा की जो देवन की शिव शंकर भोले ना, असुरों का भय बढ़ता जाता है प्रभु दिन और रात। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तीनों ने किया विचार, महिषासुर जैसे दानव का कैसे हो संहार। इन असुरों को हमने ही बलशाली दिए वरदान, हमरी ही शक्ति से ये सब इतने बने बलवान। अपने ही वरदानों को देकर वो पछताते हैं। परमा असुरों का संघार, अजब निराली शान है माँ की और अजब सिंगार। सर पर स्वर्ण मुकुट सजा है, गले में नौलख हार। सूरज जैसा तेज है मुख पर, शक्ति बड़ी अपार। अष्टभुजी माँ चली रे भक्तों, सिंह पे हो असवार। सारे देवता मिल के जय जयकार मनाते हैं।
ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल, शिव जी ने त्रिशूल, अग्नि देव ने शक्ति दी, सागर ने कमल का फूल, विष्णु जी ने चक्र दिया और काल ने दी तलवार, इंद्र देव ने वज्र दिया और क्षीर ने दे दिया हार, विश्वकर्मा ने फरसा दिया, वायु ने धनुष और बाण, सूर्य देव ने सब अंगों में तेज किया प्रदान, दिया वरुण ने शंख भेंट में माता को उपहार, सारे देवता करने लगे माता की जय जयकार। इस तरह से देवी को शक्ति अवतार बताते हैं, जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम, है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम, नायक महिषासुर का चिक्षुर नामक बलवान, देवी से युद्ध करने आया वो पापी नादान, असलोमा नामक महादैत चामर और विंदीपाल, माता जी को घेरे हुए थे वो सारे चंडाल, अंबिका देवी ने देखा जब उनको तत्काल, लगी फड़कने भुजा मात की रूप बना विकराल, सहस्त्र योजन सेना पर जब किया मात ने वार, उन दुष्टों महादैत्यों का माता ने किया संहार, किसी खुशी में देवता घंटे नाद बजाते हैं, क्रोध आया, देवी गणों को मारने वो धर भैंसा रूप आया, कभी खुरों से कभी थूत से उसने वार किया, कोई पूंछ से कोई सींग पर धर कर मार दिया, महादेवी के शेर पे जब महिषासुर था झपटा, माँ ने बांध पाश में उसको धरती पर पटका, वैसा रूप त्याग कर दानव असल रूप में आया, शीश खड़ग से उसका माँ ने काटना चाहा, अब आगे क्या होता है ये तुमको बतलाते हैं, कभी भैंसा कभी हाथी महिषासुर बन जाता है, अपनी महादैत्य शक्ति को वो दिखलाता है, अपनी सूंड से माँ के शेर को खींचना चाहता है, सिंह राज हृदय से माँ का ध्यान लगाता है, क्रोध में भर के माँ ने उसकी
चढ़ रही माँ शेरा वाली, हाथी रूप से फिर वो दानव भैंसा रूप में आया। देवी वार करते ही अपनी बदल रहा था काया। देवी ने उससे कहा गरज को तुम्हें सुनाते हैं। बचेगा महिषासुर चंडा, बोली मैया तेरे सर पर घोर रहा है काल। ऐसा कहकर देवी माँ ने अपने खोले बाल। सुर्ख हो गया मस्तक माँ का क्रोध की भड़की ज्वाला। जैसे हजारों सूर्य उगे फिर ऐसा हुआ उजाला। सुनकर माता की बातें महिषासुर गुर्राया, तू क्या बिगाड़ेगी मेरा कह करके मुस्काया। सुनकर गर्जन उस दैत्य की देव सभी घबराते हैं। मधुपान गर्जन करके आगे बढ़ता महादैत्य बलवान। देवी शक्ति को ना जान सका पापी नादान। माँ की तरफ लगा फेंकने पर्वत वो शैतान। अपने बाणों से करती माँ पर्वत को भी चूर। मेरे हाथों नहीं बचेगा तोड़ू तेरा गुरु। मैया और महिषासुर में लगे होने वार पे वार। चक्र सुदर्शन भाले बरछे चले तीर तलवार। सारे राक्षस मिल माँ पर हथियार चलाते हैं। ही रक्त की धार, दानव दल में होने लगा था अब तो हाहाकार। हाथी घोड़े और असुरों के गिरने लगे शरीर। माता रानी बड़े वेग से चला रही थी तीर। जब तक मैं मधु पीती हूँ जब तक तू ले ले सांस। आज नहीं बच पाएगा तू तेरा करूं विनाश। आज लगा ले तेरे अंदर जितना भी है जोर। लेकर भाला चली अंबिके महिषासुर की ओर। आगे दानव पीछे देवता दौड़ते जाते हैं। जगजननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं।
का बालिया, शूल से फिर उस दानव के कंठ पे वार किया। दूसरे रूप में मुख से दानव आने लगा बाहर, आधे रूप में भी वो माँ पर करने लगा था वार। देवी ने तलवार से उसका मस्तक काट दिया, माँ ने धरती पर से उसका भार उतार दिया। सारे देवता और ऋषियों ने जय जयकार किया, फूलों की वर्षा से माता का सत्कार किया। उस महिष मर्दनी को वो सारे शीश झुकाते हैं,